सांभर बनाना शुरू करते हैं। ये मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ये हीट हो जाए थोड़ा मस्टर्ड ऑयल मेरा। मैं इसमें ये मस्टर्ड सीड्स ली हूँ, सरसों, इसको ऐड करूँगी। मस्टर्ड सीड्स मेरे देखिए हो गए, चटकने लगे हैं। ये मैंने एक रेड चिली इसमें ऐड की हूँ। अब मैं इसमें ये कुछ ये ली हूँ ग्रीन करी लीव्स, इसको ऐड कर रही हूँ। ग्रीन लीव्स मेरी हो जाए ये करी लीव्स, तो मैं इसमें ये अनियन चॉप करके ली हूँ, इसको ऐड करूँगी। ये ग्रीन चिली है, इसे भी डाल के हल्का फ्राई कर लेंगे। मेरे अनियन फ्राई हो रहे हैं, हल्का सा सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं इसमें चॉप टमाटर मैंने लिया है, ये ऐड कर रही हूँ इसमें। और मैं आपको आज नए तरीके का सांभर बनाना बता रही हूँ। ये मैंने ब्रिंजल लिया है, आप सोच रहे हैं ब्रिंजल नहीं पड़ता सांभर में, लेकिन आप इस तरह का बनाइए सांभर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रिंजल ऐड कर दिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब ढक्कन लगा कर एक सीटी आने तक का वेट करूंगी। वेजिटेबल्स देखिए हो गए अच्छे से। अब मैं इसमें तूर की दाल ली हूँ मैं, ये 150 ग्राम है वेट में अगर आप लेंगे तो। मैंने इसको धो लिया है, धो के अब मैं इसमें ऐड करूँगी। वाटर ऐड कर रही हूँ मैं, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से वाटर ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वाटर कम लग रहा है, मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। अब फिर से मैं ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर पहले एक सीटी आने देंगे, उसके बाद लो फ्लेम करकर, मीडियम टू लो फ्लेम करकर दो तीन सीटी और लगा लूँगी। चलिए दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए मेरा सांभर रेडी हो गया है। मैं इसको चला के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप पानी और ऐड करके पतला कर सकते हैं इसको, वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब मैं इसमें आपको तड़का लगाना बता रही हूँ, अगर आपको मन हो तो ऊपर से तड़का लगाएं, वरना आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा तड़का लगा देती हूँ तो थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आता है। मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा हीट हो जाए मस्टर्ड ऑयल तो मैं इसमें ये मैं मस्टर्ड सीड्स ली हूँ, सरसों, मैं इसको डाल रही हूँ। ये करी लीव लिया है मैंने, ये इसको ऐड कर रही हूँ। अब इस तड़के को मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। एक रेड चिली ऐड कर रही हूँ, आपको ज़्यादा लेना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे फैला के डाल दीजिए, बीच में थोड़ा डाल दीजिए। सांभर रेडी हो गया है, ये देखिए मेरा सांभर रेडी हो गया है। मैंने इसे सर्विंग पॉट में निकाल लिया है और करी लीव से डेकोरेट कर लिया है। आप देखिए मेरा सांभर कितना अच्छा बना हुआ है, कलरफुल भी है। आप खाइए, बनाइए, खाइए। आपको पसंद आए तो मेरे इस रेसिपी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।